गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो सब जन? बढ़िया या बहुत खूब? चलो जैसे भी हो, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व कैपेसिटिव या रेजिस्टिव सर्किट्स। अब बच्चों, हम लोग जो है बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं, और उसमें से कुछ मेथड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, ये हर बार आती है बेटा। चलो, इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है? इसमें से हम लोग सिमेट्री मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है? जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाके वीडियो फिर से देख लें, ठीक है? इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन पोटेंशियल मेथड, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कनेक्शन रिमूवल मेथड। ये दोनों मेथड हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तीनों मेथड पढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर जो है दो क्लास में ये तीनों मेथड हम लोग करेंगे, जो भी होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ। तो आज की क्लास में हम लोगों को ये पढ़ना है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? तो देखो, ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। फर्स्ट था सिमेट्री मेथड, और बच्चों अगर सिमेट्री मेथड और जो दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें कोई भी डाउट है तो आप बोलो, और अगर डाउट नहीं तो एक बार थम्स अप कर दो, ताकि मुझे ऐसा शांति हो जाएगी भाई कि हाँ चलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बताना। फिर ये होमवर्क वगैरह दिया था, होप आप लोगों ने किया हो और इनमें कोई दिक्कत ना हो। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ठीक है? बच्चों यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये भी एक तरह की व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ठीक है? अगर आप इस ए पॉइंट को यहाँ से पकड़ के, ये जो वायर है ए पॉइंट का, इस वायर को यहाँ से पकड़ के ऐसे इधर साइड कर देते हो, खींच के, है ना, खींच के इधर भेज देते हो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, और सर्किट आपके इस तरीके से फिर से बन जाएगी। एक सेकेंड, इस तरह से जो है सर्किट आप लोगों के फिर से बन जाएगी यहाँ पे, और बीच में जो ये कैपेसिटर है दैट इज सी, वो वैसा के वैसा रहेगा। ए वाला कैपेसिटर जो है वो, ए वाला पॉइंट जो है हम लोग बाहर की तरफ भेज देंगे ना, तो हो जाएगा दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पे टू टू सी और यहाँ पे फोर सी, है ना, यहाँ पे 3C हो जाएगा, यहाँ पे 6C हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा C। तो अच्छे से देख सकते हो कि दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस, तो ये कैपेसिटर हट जाएगा। 3 और 2 जो है वो सीरीज में आ जाएंगे, और 6 और 4 जो है वो भी सीरीज में आ जाएंगे, और फिर जो आंसर होगा वो पैरेलल में। तो 3 और 2 जो है वो सीरीज में कितना होता है, दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी, 3 और 2 सीरीज में होता है 6C/5। फिर 6 और 4 सीरीज में कितना होगा, 12C/5, ठीक है? क्योंकि ये पैरेलल में इनको हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे, और डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज 18C/5। तो ये फाइनल आंसर है। गुड ओ जस बेटा, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा होमवर्क, ठीक है? और बाकी जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो बन जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चन होमवर्क में देने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरीके हो सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा हो सकता है, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है आपके सामने, फिर ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, फिर ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये सारे के सारे सर्किट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है, और आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो इजी मेथड तो हमने सॉल्व कर लिया, और अब हम लोग थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। बच्चों जो कॉमन पोटेंशियल मेथड है वो मेथड यूँ समझ लो, सिमेट्री और व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब सेम ही है, ठीक है? पर
यहाँ पे क्या होता है कि जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पे हम लोग ये कैपेसिटर को हटा देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है ना। जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है, और सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई चार्ज फ्लो होने वाला नहीं है। तो तुम इसको हटा भी सकते हो और ऐसे सीरीज कर सकते हो, और तुम चाहो तो इसको कनेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमेट्री में भी सेम होता है, सिमेट्री में हम लोग जो सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम होता है। अब यहाँ पे भी कॉमन पोटेंशियल मेथड में भी यही चीज़ होने वाली है, बस यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट होती है जिसमें हमारे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ये काफ़ी फेमस सर्किट है, क्यूब वाली सर्किट। इसमें आप लोगों को पूछा गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड सी और बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। पूरा क्यूब है और क्यूब के जो एजेस हैं 12 एजेस, उसमें कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, 12 के 12 कैपेसिटर्स जो है वो एजेस पे हैं। हमें पूछा है कि इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है कॉमन पोटेंशियल मेथड बताने वाला हूँ, और उससे जो है सर्किट आप लोगों की एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगी। और कॉमन पोटेंशियल मेथड को जो अगर आप यूज़ करते हो बार बार, तो आप लोगों को जो है उसमें आदत पड़ जाएगी, और फिर आप जो है जल्दी कर सकते हो। इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है, ओरली कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस फाइंड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो ए और बी पॉइंट है वहाँ से जो है आप वायर निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद कॉमन पोटेंशियल पता करने के लिए ए और बी पॉइंट, देखो ये मेथड जो है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ खासम खास है, कोई मेथड ये बताता नहीं है किसी को, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जिस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट पूछा वो पहले यहाँ लिख दो, और बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, हम लोग और भी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ए बी सी डी तो है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे दिस इज ई एफ जी और एच, ठीक है, सारे पॉइंट्स लिख दिया मैंने। ए और बी को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे इस साइड लिख दो, दिस इज सी डी ई एफ जी और एच। बच्चों यहाँ पे ध्यान रहे कि नॉर्मली ऐसा ये जो सी है वो लेना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि सी कैपेसिटेंस होता है, पर फिर भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोगों को लेना पड़ा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इस तरीके से जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना था वो यहाँ लिख दिया, बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ लिख दिया। अब हमको देखना है कि ए और सी के बीच में मिनिमम कितने कैपेसिटर्स है, मतलब अगर आप ए से स्टार्ट करते हो सी पॉइंट पे जाते हो तो मिनिमम कितने कैपेसिटर्स एनकाउंटर होंगे बीच में, है ना। तो एक और दो, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू। फिर बी और सी में देखो, तो जब आप बी और सी के बीच में जाओगे तो एक ही कैपेसिटर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो आप वन। इस तरीके आप सारे पॉइंट्स का ए और बी से डिस्टेंस देख लो कि भाई डी से ए में जाते हैं तो एक कैपेसिटर आता है, डी से बी में जाएंगे तो दो कैपेसिटर, फिर ई से ए में वन और ई से बी में दो, है ना। एफ से ए में वन और एफ से बी में दो, जी से ए में दो और जी से बी में वन, एच से ए में दो और एच से बी में वन। तो इस तरीके से बच्चों पहले तो आप लोग जो है ये सारे डिस्टेंसेस, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने आ रहे हैं वो लिखना है आपको, मिनिमम, है ना। अब क्या करना है, देखो जिनमें सेम है आप देख रहे हो यहाँ पे कि भाई ये है 2 1, यहाँ पे भी 2 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 1 आ रहा है, मतलब सी जी और एच ये तीनों जो हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। सी जी एंड एच आर हैविंग सेम पोटेंशियल, उसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो 1 2 1 2 वाले हैं, ठीक है, ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनका भी जो पोटेंशियल सेम है, मतलब डी ई एफ का भी पोटेंशियल जो है वो सेम है, पर
सी जी एच और डी ई एफ का आपस में पोटेंशियल सेम नहीं है। अगर आपस में भी सेम होता तो यहाँ पे सब जगह जो है या तो 1:2:1:2 होता या 2:1:2:1 होता। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी ई एफ आर ऑल्सो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। जब पोटेंशियल सेम हो तो उन पॉइंट्स को हमें क्या करना होता है, उन पॉइंट्स को हमें एक सिंगल पॉइंट बना देना होता है। पहले जो डायग्राम है इसको मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकंड। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है पहले ए पॉइंट लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बी पॉइंट, क्योंकि हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि डी ई एफ इक्विपोटेंशियल, आप यहाँ पे देख सकते हो डी ई एफ का पोटेंशियल सेम है। दूसरा आप ये भी देखो कि डी ई और एफ जो है वो ए के बाजू में, ए के पास में है डी ई और एफ, तो यहाँ पे ए के बाजू में आप बना दो डी ई और एफ और तीनों को एक ही पॉइंट रख दो। सिमिलरली आप अगर देखोगे तो ये सी जी एच ये भी इक्विपोटेंशियल है और सी जी एच जो है वो बी के बाजू में है, तो हम लोग यहाँ पे सी जी एच को बी के बाजू में बनाएंगे यहाँ पे, दिस इज सी जी एच। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जितने भी कैपेसिटर्स है वो बना दो। ठीक है, तो देखो पहला कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर आप बना देते हो तो उस पर सर्कल कर देना। तो पहले कैपेसिटर ए और डी के बीच में बना दिया मैंने, फिर ए और ई के बीच में, उसके बाद ए और एफ के बीच में। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं डी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे डी और सी के बीच में एक बना दो। फिर यहाँ पे सी और ई के बीच में एक कैपेसिटर है और सी और ई भी इधर साइड ही है दोनों पॉइंट्स, इनके बीच में एक बना दो। ई और जी के बीच में एक कैपेसिटर है तो वो भी यहाँ पे बना दो। एफ और जी के बीच में एक कैपेसिटर है तो वो भी इधर ही बना दो। एच और एफ के बीच में एक है तो वो भी एच और एफ यहीं पे ही है, एच और एफ के बीच में एक बना दो। डी और एच के बीच में एक है तो वो भी इधर ही बनेगा। फिर आगे चलेंगे सी और बी के बीच में, तो ये सी और बी के बीच में एक, एच और बी के बीच में और बी और जी के बीच में। सर्किट जो है बच्चों कितनी सिंपल हो गई, आप देख सकते हो सर्किट कितनी सिंपल हो गई है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और यहां पर है पॉइंट है डी ई एफ और ये सी जी। तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में, आंसर इज 3C। छह कैपेसिटर्स पैरेलल में, आंसर इज 6C। फिर से तीन कैपेसिटर्स पैरेलल में, आंसर इज 3C। ठीक है, अब बच्चों ये पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं, दिस इज डी ई एफ और ये हो जाएगा सी जी एच। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 6 और 3 सीरीज में डायरेक्ट आंसर है 2C। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज 2C और फिर आएगा 3C। यहाँ पे जो है दिस इज सी जी एच और अब हम लोग डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 और 3 सीरीज में है, तो 2 × 3 / 2 + 3 तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 6C/5। ओके, क्या बच्चों एकदम अच्छे से आवाज आ रही है, क्या वीडियो सब दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? बोलो चलो गुड। अब
थोड़ा थोड़ा चला लो, ठीक है। चलो अब बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया है, आप लोगों ने थम्सअप भी किए कर दिया है, नहीं करा तो कर दो थम्सअप एक बार फिर से, अगर कोई दूसरी बात पे थम्सअप किया है तो। ये समझ में आ गया तो थम्सअप कर दो, और सेकेंड मेथड जो है वो इसी तरीके से हमें करना है, ठीक है। चलो ऑडिबल भी है विजिबल भी है, गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। इसी क्वेश्चन का हमने जो सेकंड पार्ट है फेज डायगोनल ए और सी वो लिया है, और फिर ए और डी भी हमने इसके बाद लिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें ए और सी के बीच में फाइंड करना, और इसके बाद थर्ड हमारे पास यहाँ पे है ए और डी। तो हम लोग जो है, मैं एक सॉल्व कर देता हूँ और जो दूसरा होगा वो आपको खुद से करना होगा, ठीक है। देखो जब तक थोड़ा बहुत अटक रहा है चला लो, जब पूरा बंद हो जाएगा तो फिर से भेजेंगे, ठीक है। अभी कोई ऑप्शन नहीं है ना, समथिंग इशू, अब कहाँ आ जाऊँ मैं। चलो ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है मैं फाइंड कर रहा हूँ बच्चों, और आप लोगों को जो है जो एक और था ए और सी वो आप लोग खुद से करना है, ठीक है। ए और डी मैं अभी आप लोगों की मदद कर देता हूँ और वो होमवर्क मिल जाएगा आप लोग। फिर से हम लोग जो है सेम मेथड करेंगे। अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया है ये मेथड तो वो खुद से फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। जो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ए और डी यहाँ पे लिख दो, और बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे नीचे लिख दो, दैट इज बी सी ई एफ जी एच, है ना। नाम दे दो यहाँ पे, ए बी सी डी हो गया और ये हो गया ई एफ जी और एच, ठीक है। तो ए से बी के बीच में कितने हैं यहाँ पे, हमारे को ए और डी में पहले तो एक वायर निकाल देता हूँ मैं। अब हमें जाना है बी से ए की तरफ, तो काफ़ी दूर है, मतलब तीन कैपेसिटर्स जो है रास्ते में आ रहे हैं, थ्री लिखूंगा मैं यहाँ पे। बी और डी के बीच में दो है, सी और ए के बीच में दो है, और सी और डी के बीच में वन, ई और ए के बीच में वन, ई डी के बीच में टू, एफ और ए के बीच में है वन, और एफ और डी के बीच में है टू। चलो कुछ तो हमारे को कॉमन पोटेंशियल मिला। जी और ए के बीच में है दो, और जी और डी के बीच में है तीन, एच और ए के बीच में दो, और एच और डी के बीच में वन। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे टू वन और ये टू वन कॉमन पोटेंशियल है, और ये वन टू और वन टू ये भी कॉमन पोटेंशियल है। तो हम लोग सर्किट को रीड्रॉ करेंगे बच्चों। ए पॉइंट में यहाँ पे लिखूंगा और डी पॉइंट में सबसे दूर लिखूंगा, ठीक है। ए और डी मैंने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो जो पॉइंट कॉमन पोटेंशियल के हैं उनको आप पहले लिख लो। तो ये ई और एफ है, ई और एफ जो है आप देख सकते हो ए के बाजू में, तो मैं ई और एफ ए के बाजू में बना दूंगा। फिर दूसरे पॉइंट से सी और एच, और सी और एच डी के बाजू में है तो वो डी के बाजू में, तो यहाँ पे मैं पॉइंट बना रहा हूँ ई और एफ, और यहाँ पे मैं पॉइंट बना रहा हूँ सी और एच। बाकी पॉइंट्स कहाँ पे बनेंगे वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले
ए और ई के बीच में और फिर ए और एफ के बीच में। तो यहाँ दो कैपेसिटर्स बना देता हूँ मैं। सिमिलरली डी से स्टार्ट करेंगे तो डी से सी और डी से एच। उसके बाद आप देखोगे तो ई और सी के बीच में एक है, तो ई और सी के बीच में एक बना दो। फिर है ए और डी के बीच में एक है, तो हम लोग ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे बना देते हैं। ई और जी के बीच में एक है, तो हमारा जी पॉइंट अभी हमने बनाया नहीं है, हमको वो भी बनाना है। मैं जी पॉइंट जो है ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, और जी से बी में है ना, तो जी और बी दो पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो ये जी और ये बी है ना। अब देखो ई और जी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ई और जी के बीच में एक कैपेसिटर बना दो। एफ और जी के बीच में एक और है, तो एफ और जी के बीच में भी एक बना दो। फिर जी से बी में एक कैपेसिटर है, फिर बी से सी और बी से एच। एच और एफ के बीच में एक कैपेसिटर बचा हुआ है हमारा, एच और एफ के बीच में एक कैपेसिटर, वो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। सर्किट हो गई है सिंपल बच्चों, ठीक है, सर्किट हो गई एकदम सिंपल। कोई छोटा बच्चा होगा वो भी बता देगा कि अब ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, फिर ये और ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, फिर ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, लास्ट में ये पैरेलल आएगा, देखते हैं। तो देखो दिस पॉइंट इज ए, ए के बाद दो कैपेसिटर्स पहले आएगा, दिस पॉइंट इज ई एंड एफ, फिर और दो कैपेसिटर्स, दिस पॉइंट इज सी एच, फिर और दो कैपेसिटर्स, दिस पॉइंट इज डी है ना। नीचे साइड यहाँ पे एक कैपेसिटर है, वो सी है। अब अगर मैं जी बी वाला बनाता हूँ तो ये हो जाएगा दो कैपेसिटर्स, फिर एक कैपेसिटर और फिर दो कैपेसिटर। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज जी, ये है टू सी, ये है सी और ये है टू सी। समझ आए बच्चों? अब क्या करें, अब बस सॉल्व कर लेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज डी। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये 2c और 2c सीरीज में c हो जाएगा, c और c सीरीज में c बाई टू, ठीक है। तो पहले यहाँ पे c बाई टू लिख लो, बाकी सबको ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे ये ई एफ है और ये सी एच है, इसके बीच में यहाँ पे लिख दो c बाई टू। समझे बच्चों? जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी करोगे तो गलतियां करोगे। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सी बाई टू और टू सी जो है वो पैरेलल में ऐड कर दो डायरेक्ट। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा दिस इज टू सी और यहाँ पे भी ये टू सी है। सी बाई टू और टू सी को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा फाइव सी बाई टू। ठीक है, देखो अब पहले क्या करना, ये 2c और ये 2c सीरीज में, देखो वैसे तो तीनों सीरीज में है पर हम लोग तो शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, तो 2c और 2c कितना हो जाता है c है ना। अब ये c और 5c बाई टू सीरीज में है तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते। देखो c और 5c बाई टू को मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड करो, इनका अगर सीरीज फाइंड करना है तो ये हो जाएगा दिस इज 5c डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो 5c बाई 7 हो गया पूरा, इन तीनों का आंसर हो गया 5c बाई 7, और नीचे वाला c जो है वो अभी भी ऐसा कैसा है। तो c इक्वलेंट हमको मिल जाएगा, इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो मिल जाएगा दिस इज 12c बाई 7। समझ में आया बच्चों?
यहाँ पे सी और 5C/2 दोनों सीरीज में है, चलो बोलो बच्चों कोई दिक्कत है इसमें? सब समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बोलो। चलो गुड, तो जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क कर लेना। और वो होमवर्क ये है कि आप लोगों को ए और सी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है? चलो इसके बाद हम लोग, हमारे पास एक और क्वेश्चन है और वो है ये। अब बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें जो डायग्राम है ये थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे क्वेश्चन जब आप लोग ढंग से रीड करोगे ये तो ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर इसमें बोला जाएगा कि ये बाई पिरामिड है, ठीक है? ट्रायंगुलर बाई पिरामिड ऐसा नाम दिया जाएगा। मतलब एक पिरामिड होता है ना जिसमें बेस जो है वो ट्राइंगल का है, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। ये एक पिरामिड है जिसमें जो बेस है वो एक ट्राइंगल का है। तो ऐसे हमारे पास दो पिरामिड है, बाई पिरामिड, और वो दो पिरामिड को हमने चिपका दिया है। एक पिरामिड का बेस है ए सी डी और दूसरे पिरामिड का बेस है ए सी ई, और उन दोनों को हम चिपका देते हैं तो इस तरीके से डायग्राम बन जाता है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, ठीक है? अगर आप देखोगे तो मैं सर्किट को ऐसे भी बना सकता हूँ कि ए यहाँ पे सी यहाँ पे और ऐसे, ऐसे भी बना दो। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ई है, और फिर आप कॉमन पोटेंशियल यूज़ करो, सिमेट्री यूज़ करो, ठीक है? इवन आप व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल से हम लोग करते हैं ए और सी, तो चलो ठीक है मैं डी और ई करता हूँ, ठीक है? ए और सी काफ़ी सिंपल है, सामने दिख रहा है वो आप लोग कर लेना, मैं डी और ई कर रहा हूँ, वो भी ऐसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है, पर देख लेते हैं, ठीक है? तो डी और ई के बीच में फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप डी और ई पॉइंट्स को लिखो, ये है डी और ये है ई, और बाकी जो पॉइंट्स बचे हुए हैं, बाकी कौन से बचे हुए हैं, तो ए पी और सी। तो आप देखो कि कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे ए बी सी, डी से सबका डिस्टेंस 1 है, उसी तरीके से ई से भी सबका डिस्टेंस 1 है, मतलब जो ए बी सी तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन पोटेंशियल हैं, ठीक है? ए बी सी आर एट सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी पॉइंट और ई पॉइंट जिनके बीच में हमें फाइंड करना है उनको हमने यहाँ पे अलग अलग बना दिया, और बीच में ए बी सी को हमें जोड़ना है तो बीच में हमने ए बी सी तीनों लिख दिया। अब आप देखो डी से ए में, डी से बी में और डी से सी में, डी से ए, डी से बी और डी से सी, सिमिलरली ई से ए, ई से बी और ई से सी, तो ई से ए, ई से बी और ई से सी। अब ये जो दो कैपेसिटर्स हैं
ये कैपेसिटर्स का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स है, तो ये कैपेसिटर में से कोई चार्ज फ्लो नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस हमारी ये सर्किट हो गई, और तीन कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में, दिस इज 3C, दिस इज 3C, और आंसर जो है वो फाइनली हमको मिल जाएगा 3C/2। समझ में आया बच्चों? शायद नहीं, 2 साल ही एग्जाम दे सकते हो, अभी इस बार आपने JEE मेन तो दिया, न तो नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, 3 साल नहीं दे पाओगे बेटा। एक्सपीरियंस के लिए दे दो, अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो भी एक्सपीरियंस के लिए दे दो, और फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे से मेहनत करके दे दो। चलो तो ये काफी सिंपल था। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड डी। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ए और बी जो है वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ए और बी जो है वो सिंपल होगा मेरे ख्याल से, कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैं ए और डी को ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में टोटल 9 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और 9 कैपेसिटर्स को यूज़ करके सर्किट बनाई हुई है। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और मैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर रहा हूँ वो ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज ए पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, और बाकी सारे ए और डी में फाइंड करना था, तो ए और बी के बीच में एक है, फिर बी और डी में 2 है, फिर सी और ए के बीच में 2, सी और डी के बीच में 1, फिर ई और ए डी 1 1। और एफ और ए के बीच में जो है 2 है, और एफ और डी के बीच में भी 2। तो जो यहाँ पे हमारा कॉमन पोटेंशियल का एक भी पॉइंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल वाला मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग जो दूसरे मेथड्स हैं उनसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं कोई मेथड और एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें से अगर कोई होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, और बी और सी से एफ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा ई पॉइंट। ई और एफ के बीच में एक कैपेसिटर, एक बी और एफ के बीच में, एक सी और एफ के बीच में, एक बी और सी के बीच में, एक ए और बी, एक सी और डी, और एक ए और डी, और एक ए और ई, और एक ई और डी, है ना। तो कितने कैपेसिटर्स थे? 9। नीचे कितने हैं? नीचे भी 9 है। तो यहाँ पे सिमेट्री बन रही है, सिमेट्री अगर बन रही है तो एफ और ई जो है वो कॉमन पोटेंशियल क्यों नहीं आया है? चलो कोई बात नहीं, तो बच्चों ये सर्किट को हम लोग सिमेट्री से सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल का हमें पॉइंट नहीं मिला, ठीक है।
ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है ये सिमेट्री वाली लाइन है, और सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करेंगे। तो ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ए और डी के बीच में हम दो कैपेसिटर्स लगा देंगे। सी को हमने 2C और 2C में डिवाइड कर दिया, दिस पॉइंट इज पी। ये पूरी लाइन जो है वो पी पॉइंट है, फिर ये सारे सी लिख दो, और ऊपर जो सी था उसको हमने 2C और 2C में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी हमने इसको 2C और 2C में डिवाइड कर दिया। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिमेट्री वाले में बता चुका हूँ, ठीक है। एक कैपेसिटर डायरेक्ट ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी, है ना। तो एक तो मैंने बना दिया, एक सीधा ऊपर जा रहा है बी पॉइंट में, और बी पॉइंट के बाद एक सी जो है वो यहाँ पे आ रहा है, फिर एक बी से 2C जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आप चाहो तो सेम सर्किट लिख सकते हो, पर मैंने एक बना दिया है तो मैं बाकी का भी बना देता हूँ। सिमेट्री मेथड जो है हम लोग कई बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग आराम से कर सकते हो। देखो 2C और C 3C, 3C और C 3C बाई 4, 3C बाई 4 और 3C को ऐड करो तो 3C बाई 4 प्लस 3C इज 15C बाई 4। तो यहाँ पे A और P के बीच में 15C बाई 4 है, तो इधर साइड भी 15C बाई 4 होगा, और आप लोगों का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। फिफ्टीन सी बाई एट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। और दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दो। चलो गुड। ये जो क्वेश्चन है बच्चों रेजिस्टेंस के लिए, ये आप लोगों को होमवर्क में जाएगा। और बच्चों जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ उसको आप लोग प्लीज़ सॉल्व किया करो, ठीक है। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तभी जो है आप लोगों को प्रैक्टिस मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये, है ना। तो आप लोगों को होमवर्क में जो भी क्वेश्चन मिलता करना है, जैसे यहाँ पे अभी दो मेथड है, ए और सी आप लोगों के लिए रखा है, डी और ई वाला मैंने सॉल्व किया है। हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एक ना एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला है। तो इस तरीके से जो जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो आप लोगों को करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल का, जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको ही ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन कॉमन पोटेंशियल से ही बनेगा। या फिर फ्यूचर में स्टार डेल्टा पढ़ोगे तो उससे बन सकता है, पर कॉमन पोटेंशियल से बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। स्टार डेल्टा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा थोड़ा उसके कंपैरिजन में, कॉमन पोटेंशियल कंपैरिजन में। तो ये आप लोग आराम से ट्राई करो इसको घर पे, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सॉरी बच्चों। अब नेक्स्ट है कनेक्शन रिमूवल मेथड।
कनेक्शन रिमूवल मेथड में कोई नई बात नहीं है, ठीक है। कनेक्शन रिमूवल मेथड में कोई नई बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कनेक्शन रिमूवल मेथड के लिए ही है। हमको इसको कैसे सॉल्व करना है देखो बताता हूँ। कनेक्शन रिमूवल मेथड कब यूज़ कर सकते हैं? पहली बात, हम तब यूज़ कर सकते हैं जब सर्किट सिमेट्रिकल हो, ठीक है, और सिमेट्री से जल्दी हमें आंसर लाना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। पर दोनों कभी कभी, ये कनेक्शन रिमूवल से जल्दी सॉल्व हो जाती है, कभी कभी सिमेट्री से जल्दी सॉल्व हो जाती है, वो डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट सब आपको पता होना चाहिए। तो कनेक्शन रिमूवल मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर यहाँ से करंट जा रहा I1, मान लो, है ना, यहाँ से करंट जा रहा I2, इधर से I3, इधर से I4, तो डिट्टो चीज़ें यहाँ पे भी होने वाली है कि यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? आप देख सकते हो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना करंट यहाँ है उतना करंट यहाँ है, जितना यहाँ है उतना यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ। अब क्योंकि यहाँ से I3 आ रहा है और इधर साइड I3 जा रहा है, ध्यान से सुनना, इधर से I3 आ रहा है और इधर ऐसे I3 जा रहा है, और I2 को भी देखो, इधर से आ रहा है और इधर सीधा जा रहा है, मतलब यहाँ पे फोकट में कनेक्शन करके रखा है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो हम लोग यहाँ पे हटाने वाले हैं, कि भाई यहाँ पे कोई मतलब था नहीं इनको कनेक्ट करने का, क्योंकि I3 करंट जो है वो ऐसे सीधा जा रहा है, ठीक है। I3 करंट जो है वो इधर से इधर जा रहा है और I2 भी सीधा जा रहा है, तो हमने यहाँ पे इनको कनेक्शन हटा दिया। अब कनेक्शन हटा दिया तो अब देख लो आप लोग, सर्किट जो है सिंपल हो गई है। ये दोनों आपको सीरीज में नजर आएंगे, है ना। तो सारे की वैल्यू अगर सी है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अगर सबकी वैल्यू सी है तो यहाँ पे नीचे अगर आप पहले देख लो, ये सी और सी सीरीज में कितना होता है, सी बाई टू, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक बना देते हैं सी बाई टू, फिर ऊपर जाएगा एक सी। अच्छा इधर क्या हो रहा है देखो, ये सी और ये सी, सी बाई टू हुआ, सी बाई टू के साथ ये सी पैरेलल में, तो सी बाई टू प्लस सी इज 3C/2, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 3C/2। अब देखो ये सी और सी सीरीज में, सी बाई टू, सी बाई टू और 3C/2, कर लो सॉल्व तो क्या मिलेगा, सी बाई टू और 3C/2, और नीचे इनको ऐड कर दो, नीचे ऐड करो तो क्या मिलेगा, 8C/4, तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3C/8। चेक कर लेना एक बार, दिस इज 3C/8 और यहाँ पे नीचे है C/2, तो सी इक्वलेंट कितना मिल जाएगा, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो मिलेगा 3 और 7 7C/8। सिमेट्री से कर लो, सिमेट्री से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, है ना। पर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए बच्चों, इसलिए आप लोगों को सारे मेथड बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो बोलो ये मेथड समझ में आया आप लोगों को? शशि यादव क्या हो गया, हंसी क्यों आ गई बेटा? मैंने कोई कॉमेडी करी थी क्या बीच में? मुझे भी याद नहीं है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और
यहाँ पे भी बच्चों हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कनेक्शन रिमूवल मेथड वाला। तो कनेक्शन रिमूवल मेथड अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप लोगों को फटाफट जो है सर्किट सॉल्व हो जाएगी। देखो ये जो बीच में यहाँ पे कनेक्शन है, इस कनेक्शन का कोई काम नहीं है। अगर कनेक्शन रिमूव करना है बच्चों तो ध्यान रखना, आप लोग गलती से ऐसे रिमूव मत कर देना, है ना। ऐसे रिमूव कर दोगे तो आप लोगों को जो है दिक्कत हो जाएगी सॉल्व करने में, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ट्राइंगल जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत करना, कनेक्शन जो रिमूव होगा वो इस तरीके से ही होगा। और बीच में जो भी है तामझाम उसको आप हटा सकते हो। ओके, सर्किट हो गई है सिंपल। किस तरीके से किसी भी सर्किट को फास्ट सॉल्व करते हैं बच्चों, वो आप लोगों को सीखना आना चाहिए, ठीक है। देखो ओरली करते हैं, सी और सी, सी बाई टू, सी बाई टू के साथ ऊपर एक सी मिल रहा, दैट इज ऐड कर दो तो 3C/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए से स्टार्ट करके 1, 2 और 3, सी सी और बीच में है 3C/2, नीचे भी इसी तरीके से सी 3C/2 और सी। ओके, अब देखो ये सी और सी सीरीज में कितना हो जाएगा, C/2 और 3C/2 अभी हमने किया था। यहाँ पे देख सकते हो C/2 और 3C/2 कितना होता है, 3C/8। तो यहाँ पे मुझे इन तीनों का आंसर मिलेगा 3C/8। तो ये हो जाएगा ए पॉइंट और बी पॉइंट, ऊपर हो गया है 3C/8, नीचे भी हो गया है 3C/8, और आंसर आ जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स कर दो, दिस इज 3C/4। समझ आए बच्चों? तो यहाँ पे देखो कोई चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, है ना। हम लोग अलग अलग मेथड देख रहे हैं और जिससे हम लोग आंसर लेके आ सकते हैं, तो जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और सर्किट है, और ये सर्किट मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ, आप लोग आराम से इसको सॉल्व करो और देखो कि आप लोगों को जो है कनेक्शन रिमूवल मेथड आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको आप दो मेथड से सॉल्व करना, एक कनेक्शन रिमूवल से करना और टाइम नोट करना, और फिर आप जो है सिमेट्री से करना और टाइम नोट करना, ठीक है। और अगर आपको कॉमन पोटेंशियल से करना है तो कॉमन पोटेंशियल से भी यहाँ पे कर सकते हो इसको। तीनों मेथड से करके देखना और आप देखना कि कितना जो है टाइम बच रहा है या फिर वेस्ट हो रहा है, किसमें कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है वो आप चेक करो, फिर जो टाइम कम लगता है उसको उस हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है। ये भी सिंपल सर्किट है, इसमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा टफ है नहीं। कनेक्शन रिमूवल मेथड से तुम्हें पता ही है कहाँ कनेक्शन रिमूव करना है, तो कनेक्शन रिमूवल मेथड यूज़ कर लो और सॉल्व कर लो। चलो ये सब तो ठीक है ना, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइम देता हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है, पर फिर भी अभी आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो यूजिंग कॉमन पोटेंशियल मेथड। और पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ ताकि सबका आंसर जो है एक जैसा ही होना चाहिए। ए बी हो गया, ए बी के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट सी, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पॉइंट डी, 10 पॉइंट इज ई एंड 10 पॉइंट इज एफ।
बच्चों अभी ठीक है? अभी ठीक नहीं है? अच्छा चलो अभी ओके है तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है आज की क्लास खत्म कर देंगे। जो होमवर्क मैंने दिया था वो होमवर्क जो है हम लोग अभी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? और आप लोगों को करना है इसको फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? रजिस्टर में सेम कॉन्सेप्ट लगाना कॉमन पोटेंशियल के लिए, ठीक है? तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है और फिर हमारे को, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए सी डी ई और एफ, कॉमन पोटेंशियल वाला मेथड से सॉल्व करो जल्दी जल्दी। टेबल बना के किस तरीके से करना सिखाया था वैसे बनाओ फास्ट एकदम, ठीक है? यहाँ पे कैपेसिटर की जगह रजिस्टर है कि कितने रजिस्टर एनकाउंटर होंगे बीच में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो, वो आप लोगों को देखना है। ठीक है बच्चों जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और आंसर बताना है, ठीक है? देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताता है। मैं यहाँ पे सॉल्व धीमे धीमे करूँगा, ठीक है? और आप लोगों को जो है फटाफट करना है। सी से ए की तरफ जाओगे तो आपको दो रजिस्टर मिल रहे हैं, सी से बी की तरफ जाओगे तो एक, डी से ए में जाओगे तो दो, और डी से बी में जाएंगे तो एक, ई से ए में जाओगे तो वन, और ई से बी में जाओगे तो टू, और एफ से ए में जाओगे तो वन, और एफ से बी में जाओगे तो टू, ठीक है? तो हमारे पास है ए पॉइंट, हमारे पास है बी पॉइंट, सी और डी जो है वो कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, ए के बाजू में नहीं आएगा, बी के बाजू में सी और डी है, तो हम लोग यहाँ पे बी के बाजू में लिख देंगे सी और डी, और ए के बाजू में लिखेंगे ई और एफ। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि रजिस्टर में जो है पैरेलल में आधा होता है, जैसे कैपेसिटर में सीरीज में होता है वैसे रजिस्टर में पैरेलल में होता है, ठीक है? ए से ई और ए से एफ, फिर है बी से सी और बी से डी, फिर है ई से सी और डी से एफ। सी और डी के बीच में जो रजिस्टर्स हैं वो गायब हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है? और ई और एफ के बीच में जो उनका भी कोई काम नहीं है, ए और बी के बीच में 1 ओम बना दो। तो यहाँ पे जो हमने बनाया वो ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, बाकी ये सब 2 वाले हैं।
अनेरी का आंसर है 7/5। चेक करते हैं, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 2.5। ये 1 ओम है और ऊपर हो जाएगा 2.5, मतलब 5/2। और पैरेलल में हम लोग जो है सीरीज वाला कैपेसिटेंस में जो यूज़ करते हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड करो। और ये बहुत खूब, शाबाश, 5/7 ओम इज द राइट आंसर। गुड अनेरी। तो बच्चों आप इस तरीके से देख सकते हो। गुड बच्चों, उदय, धारा, तुषार, सबका आंसर सही है कि सर्किट जो है वो कोई ज़्यादा, मतलब दिखने में भले टफ है, पर अगर आप लोगों को फाइंड करना आता है, कॉमन पोटेंशियल मेथड अगर आपको आता है, तो सर्किट जो है वो काफ़ी सिंपल रहती है। आप इसको जब आप दोनों चैप्टर्स पढ़ लो, उसके बाद आप कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, आप लोगों नानी याद आ जाएगी। समझ में आ रहा है? कॉमन पोटेंशियल मेथड से सबसे इजीएस्ट तरीके से ये सॉल्व होती है, ये वाली सर्किट। ठीक है, जो भी आज हमने सर्किट्स लिए कॉमन पोटेंशियल में, वो सर्किट्स काफ़ी बढ़िया हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आप ए और बी के बीच में करोगे तो आप लोगों को जो है कॉमन पोटेंशियल हो जाए, मिल जाएगा, है ना। डी और ए में हमको मिला नहीं, तो हमने फिर उसको सिमेट्री वाले मेथड से किया। बाकी सब सिंपल है। और ये ज़्यादातर जो क्यूब वाली सर्किट्स होती है, ये बहुत कॉमन पोटेंशियल मेथड से इजीली हो जाती है। ठीक है, अगर कॉमन पोटेंशियल मेथड तो मैं आता है तो एक और मेथड है इसका, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्यूब वाली सर्किट को सॉल्व करने का एक और मेथड है, चार्ज फ्लो होता है पोटेंशियल वाला, किरचॉफ लॉ जो मेथड बताया उस मेथड में है। तो कॉमन पोटेंशियल और ये मेथड आज हम लोगों ने किए, और ये जितने भी मेथड्स हैं बच्चों, इसमें जब ये किरचॉफ लॉ वाला मेथड पढ़ाऊंगा, तब आपको जो क्यूबिकल सर्किट है उसको एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर क्यूबिकल सर्किट में जो हमने तीन सर्किट देखी, तीन अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, उसमें से सिर्फ जो एक सर्किट है वही इजिली सॉल्व होती है किरचॉफ लॉ से, बाकी दो में टाइम लगता है, टफ होती है वो। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा और फिर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, काफ़ी ईजी है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी मेथड्स जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो अगर आज सबको समझ में आया बच्चों तो थम्स अप कर दो, और कल हम लोग जो है बाकी के मेथड्स करेंगे, और परसों आप लोगों का जो है टेस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।